नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एफएल की। एफएल क्या करती है, इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी में जान है, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, ये आपका डिसीजन होगा। ये बिल्कुल कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है, इट इज जस्ट प्योरली माई ऑब्जर्वेशन। आपको पसंद आती है इसलिए आपको अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि है क्या। एफएल इंडिया का शेयर जो है पिछले कुछ दिनों में एक 1500 रुपये के आसपास का हाई लगाने के बाद में अच्छा खासा गिरा, 1000 रुपये के लेवल तक आ गया। मतलब 500 पॉइंट की करेक्शन, बहुत ही बड़ी करेक्शन इस शेयर में देखी गई। कंपनी करती क्या है, चलिए इसको देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन डॉट आई एन पे। बहुत ही फ्रीली अवेलेबल स्क्रीनिंग वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी है, मैं इसको पर्सनली स्टडी करता हूँ। मार्केट कैप कंपनी 16,400 करोड़ की कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 1200 रुपए का है। और अगर आरओई आरओसी की बात की तो 40% से ऊपर आरओसी और आरओई, बहुत ही शानदार। कंपनी के ऊपर क्या कोई कर्ज है, 67.5 करोड़ रुपीज का कर्ज है, बट कंपनी के पास 550 करोड़ के कैश इक्विलेंट है। मतलब कंपनी बिजनेस में कर्ज ले सकती है, बट अगर उसके अगेंस्ट में अगर आपके पास में कैश इक्विलेंट है तो कंपनी इसका मतलब सॉलिड है। वो उस पैसे को कहीं भी एक्सपेंशन के लिए, नई आरएनडी के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर सकती है, नई एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, आपने अपने मोबाइल पर ऐड देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर एड्स देखे होंगे, बहुत सारे एड्स जो आपके सामने आते हैं, स्मार्ट एड्स रहते हैं, सब एफएल इंडिया के थ्रू ही आते हैं। बेसिकली इट इज इनटू मोबाइल एडवर्टाइजिंग, मोबाइल पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं ये सब इसी के थ्रू आते हैं। इट इज सिंगापुर बेस्ड कंपनी। देखिए मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ अवेलेबल है गूगल में। अगर आप गूगल करेंगे, स्क्रीनर करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं आपके सामने। सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो 2005 में बनी थी, 2006 में इंडिया में आई। अगर इसके बिजनेस को देखने की कोशिश की तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से 97% का रेवेन्यू आता है। गाइस सोच के देखिए, जो कंपनी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर डिपेंडेंट है तो कस्टमर के ऊपर में, तो वो कंपनी सॉलिड होगी ही होगी। जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए उनका फ्यूचर बहुत बढ़िया होता है। तो यहां पे ये कंज्यूमर के साथ में डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो 97% रेवेन्यू उनसे आता है। फिर ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाते हैं, डेवलप करते हैं एप्स को, उनके ऑफलाइन टू ऑनलाइन कॉमर्स बिजनेस को भी वो हैंडल करते हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट मिक्स है इस कंपनी का, तो कंपनी बहुत ही शानदार है। कंपनी के पास कोई घाटा नहीं है, इंडिया से 50% रेवेन्यू आता है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इस कंपनी को 50% प्रेजेंस मिलती है। कंपनी ने रिसेंट एक्विजिशंस भी किए, 2018 में विजुरी प्लेटफॉर्म को लिया, शेफर को लिया, रिवेक्स को लिया, 2019 में मीडिया स्मार्ट्स को, ऐपनेक्स को लिया 2020-21 में। मतलब जो कंपनी के पास मैंने आपको कहा था, एक हिंट दी थी, जो कंपनी का कैश इक्विवेलेंट है, कंपनी क्या कर रही है, अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, अपने आप को बड़ा करने में लगी है, एक्विजिशंस कर रही है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करने की कोशिश करें तो जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के पास में ऑलमोस्ट 60% के आसपास अब पिछले चार क्वार्टर से ये पोजीशंस होल्ड हैं। और एफआईएस ने थोड़ा सा अपना पोजीशंस को लिक्विडेट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से स्टॉक गिरा है। और डीआईएस अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक के पास अपनी होल्डिंग्स वैसी की वैसी हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग और एफआईएस होल्डिंग को देख के तो कुछ खास नहीं नजर आता, बट हाँ 15-16% की अच्छी खासी पोजीशन एफआईएस लेके बैठे हुए हैं। अगर चार्ट को देखने की कोशिश करें तो चार्ट क्या कहता है दोस्तों, वीडियो में अगर आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। अगर एडवाइस देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। देखिए 1500 से गिरते गिरते कंपनी 1000 रुपए तक आ चुकी थी। टेक्निकल पे नजर डालने की कोशिश करें तो फेयरली ये स्टॉक दिखाई देता है डाउन ट्रेंड के अंदर, बट 1220 के ऊपर में इसका एक छोटा सा एक हेल्दी ब्रेकआउट मुझे दिखाई देता है, डाउन ट्रेंड का ब्रेकेज मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक 1220 के ऊपर में अगर चलने स्टार्ट करता है, वॉल्यूम्स आ जाती हैं स्टॉक के अंदर में, तो एक अच्छा साइन होगा कि यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस पूरे पूरे दिखाई देते हैं। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर जैसे वॉर सिचुएशंस चल रही हैं तो कोई भी स्टॉक कहीं भी जा सकता है, आपको मालूम ही है। अगर ये स्टॉक वापस से 1000 रुपये की रेंज में अगर आपको दिखता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे पोजीशंस फर्दर एवरेज आउट करने की कोशिश करूँगा, बट आई विल बी कीपिंग अ वेरी वेरी क्लोज आई ऑन 1220 प्राइसिंग। अगर इसके ऊपर ऊपर जैसे अभी 1230 के आसपास चल रहा है, अगर सस्टेन हो जाता है इसके ऊपर, एक अच्छी खासी वॉल्यूम इसमें अगर आ जाती है, तो यहाँ से ये स्टॉक एक अपनी जर्नी को रिवर्सल करने की शुरुआत कर सकता है। अगर हम इसमें कोई टेक्निकल इंडिकेटर लगा के देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे RSI, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर मुझे लगता है, तो यहाँ पे RSI 40 का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट इसने लिया है, तो यहाँ पे RSI के भी सपोर्ट लेके ही स्टॉक चला है। और यहाँ पे देखना होगा कि जो रेजिस्टेंस है
रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाता है 60 के ऊपर में स्टॉक चलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ एक ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग होगा वॉच करना। और अगर वीकली पोजीशंस को देखने की कोशिश करें तो वीकली में भी इसका ब्रेकआउट होता ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है 1225 1230 के आसपास का प्राइस। तो स्टॉक हो सकता है इस जर्नी को अप ट्रेंड को फॉलो करे और वापस से ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही चला जाए। एक बहुत ही बढ़िया चैनल में ट्रेड करता हुआ वीकली चार्ट के ऊपर में आपको सभी को दिखना चाहिए, वीकली को, मंथली को, सबको दिखना चाहिए। अब ट्रेंड का स्टॉक है, करेक्शंस चलती रहती हैं। और अगर आप इंट्राडे की चार्ट की बात करें तो इंट्राडे में एक पोजीशन फंसी हुई, इंट्राडे का भी एक रेजिस्टेंस है 1230 का ही रेजिस्टेंस इंट्राडे का भी है। ये क्रॉस होता है वॉल्यूम्स आ जाती हैं तो स्टॉक अच्छा खासा हो सकता है। बाकी फाइनल जो कॉल होगी स्टॉक को लेना है नहीं लेना वो कॉल आपकी है। मेरा एनालिसिस यहीं पे मैं एंड करता हूँ। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके ही वीडियो को एंड कीजिएगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।